क्लास में जब हम प्रैक्टिकल क्लास ले रहे थे पढ़ाते थे उस समय हमने बताया 101 से लेके 105 तक बच्चों ने तुरंत काउंट किया कि हमारे पास ये छोटे वाले डोनेशन के थे लैपटॉप नोटबुक उसमें काउंट किया उन्होंने 84 आ गए सर 84 है आप ऐसे कैसे बता रहे हो कि नॉर्मल कीबोर्ड में उनका क्वेश्चन देखिए बिल्कुल फिर उनको कहा कि कूल कीज होती है अब उनको मैं हमने समझाया कि जो सिंबल्स भी होते हैं ना शिफ्ट की के साथ जिनको उपयोग करते हैं वो भी तो कीज ही है बटन ही है उनका भी तो एक उपयोग है वो प्लस हो जाते हैं उसमें तो आपके 100 से 105 तक पहुंच जाते हैं तब जाके उनका वो चीज समझ में आया तो हम उनको उनका एक्सपीरियंस और प्लस अपना एक्सपीरियंस दोनों मिक्स करके तब हमने इसको बनाया कीज और बटन का कुछ डिफरेंस वो नहीं है वो सवाल अपने आप ही है सेट से बताए बटन और कीज में क्या फर्क है आप बताइए सर बटन तो देखिए जैसे ये है ये फिजिकल बटन्स है सारे हाँ फिजिकल बटन ये बटन्स है ठीक है कीज इसमें सिंबल कीज भी है वो इसमें ऐड हो जा रही है हाँ इसका मतलब एक बटन में दो कीज भी हो सकती है वही मैंने बोला था चलिए प्ले करो नहीं वो जो मेरे की में सिंबल की मेरा मसला इस तक मेरा उसमें जो वही सवाल आप लेकर दिया ना की उसी को बोलते हैं ना वो सभी जो काम करते तो भी साथ में दर्शन हाँ कई बच्चों को कीज का नहीं पता चलेगा छोटे को कीज का मतलब क्या अब नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन में टाइपिंग करने के लिए आप कौन से टूल का उपयोग करते हैं एमएस पेंट में टाइपिंग करने के लिए आप टेक्स्ट टूल इसलिए बोला है का उपयोग करते हैं कीबोर्ड में सबसे बड़ी की को क्या कहते हैं क्या लेते हैं स्पेस हाँ बताओ कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी की है ये वाली आप सारे क्वेश्चन इन्हीं से पूछो इन्होंने आंसर नहीं दिए अमित को बोलना है स्पेशल नहीं स्पेस बस स्पेस देने उन्होंने इधर हाँ जी फिर केड़ी की होगी स्पेस स्पेस बार की या स्पेस की जो सबसे बड़ी की होती कौन सी होती है स्पेस बार की कीबोर्ड में सबसे बड़ी की को स्पेस बार की अथवा बटन कहते हैं नंबर की का दूसरा नाम क्या होता है नंबर की पूछिए दूसरा नंबर की का दूसरा नाम क्या होता है नंबर की को भी कह सकते हैं हां डिजिट की के नाम से भी जाना जाता है अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन पर कौन से टूल का उपयोग करना सीखेंगे आज की कक्षा में आप सभी रेक्टेंगल टूल के बारे में सीखेंगे आउटलाइन क्या होती है और आउटलाइन का कलर कैसे बदलते हैं सॉलिड कलर क्या होता है इसका उपयोग कैसे और क्यों करते हैं आउटलाइन और फिल मदद से बहुत से चित्र भी बनाएंगे और सबसे लास्ट में इसी टूल से मोबाइल फोन बनाएंगे मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि फिल और आउटलाइन को नहीं बता रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा आ गया ना फिल और आउटलाइन डिफरेंस दोनों का पता है आपको फिल से क्या होता होगा आउटलाइन से क्या होता होगा लेकिन उनका उपयोग कैसे करेंगे अब हम इस क्लास में सीखेंगे अब पूछिए क्वेश्चन क्या क्या सीखेंगे ये बताएंगे तो अभी अब बोला ऑडियो में अब इस क्लास में क्या सीखेंगे अभी इन्होंने भी बताया क्या आप सभी ने MS Paint की फाइल को ओपन कर लिया है अथवा नहीं अगर नहीं तो आप दोबारा से वीडियो को देखें और पेंट की फाइल को ओपन करें अगर क्या मुझे पता कोई स्टूडेंट ने ओपन नहीं किया तो उसे फिर पीछे करके आप ओपन करना सिखा सकते हैं रेक्टेंगल टूल किसे कहते हैं रेक्टेंगल टूल पता है किसे कहते हैं किसी को पता है रेक्टेंगल टूल क्या होता है रेक्टेंगल ड्रॉवर निकले रेक्टेंगल ड्रॉवर निकले रेक्टेंगल टूल करते हैं रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए रेक्टेंगल टूल यूज करते हैं और किसी को कुछ डेफिनेशन कोई आईडिया रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल हो रेक्टेंगल प्ले करो वीडियो
रेक्टेंगल टूल में आमने सामने की लाइन बराबर होती है, उसे रेक्टेंगल टूल कहते हैं। आप सभी को रेक्टेंगल टूल को ढूंढने में कोई समस्या ना हो, इसलिए रेक्टेंगल टूल को एक रेड कलर के गोले से दिखाया गया है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं। ठीक है, वहाँ पे सर्कल दिखाया गया है, दोनों रेक्टेंगल। अब इसको बनाना है आपको रेक्टेंगल टूल के द्वारा। शेप में से निकलेगा। अब हम लाइन टूल पे नहीं है, अब हम रेक्टेंगल पे आ गए हैं। आइए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं इस चित्र को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप सभी को रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कलर पैलेट से किसी भी एक कलर को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद माउस अथवा टचपैड के लेफ्ट बटन को दबाकर रखें और इसे दिखाए गए चित्र की तरह ड्रैग करें। सबने बना लिया ऐसे, जिससे कि आपका चित्र बन जाएगा। ठीक है, क्या मुझे बता सकते हैं इस चित्र को कैसे मिटाएंगे? डिलीट करने का प्रोसेस आपको पता ही है। इस चित्र को मिटाने के लिए आप सभी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के बटन को ढूंढें और उसे अपने एक हाथ से दबा के रखें। फिर आप सभी अपने कीबोर्ड में एक के बटन को ढूंढें और उसे दूसरे हाथ से दबाएं। फिर अब आप अपने कीबोर्ड में डिलीट के बटन को ढूंढें और डिलीट के बटन को एक बार दबा दें, जिससे कि आपका यह चित्र मिट जाएगा। क्या आप दिए गए चित्र को बना सकते हैं अथवा नहीं? बना सकते हो? हाँ, बना के देखो। इसे क्या करना होगा? क्या करना होगा इसके लिए? ड्राइंग शीट पे लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को दबा के और इसको बनाएंगे और एक पूरा बन जाएगा। उसके ऊपर फिर कलर चेंज करके दूसरा तीसरा। ठीक, बनाओ सर, जल्दी से बना के दिखाइए। क्या आप बता सकते हैं इस चित्र को कैसे मिटाएंगे? इस चित्र को आप बताए गए तरीके से मिटाएं।
कंट्रोल प्लस ए। क्या बता सकते हैं पिछला चित्र और इस चित्र में क्या अंतर है? पहला वाला चित्र कौन सा था? ये वाला। आपका चित्र कौन सा है? ये वाला। हाँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ। इन लोगों में क्या डिफरेंस क्या है? पूछ रहे हैं। भाई गंभीर था। क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस नहीं है। डिजाइन में। और सेफ डिजाइन है। बीच में जो चित्र बने वो सेफ अलग है। इनच की फर्क है? कौन? हाँ केमिल बने बस फर्क दसना आपका है? पहले वाले में क्या है ना कि जब हमने रेक्टेंगल्स बनाए पूरे के पूरे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं उसमें ओवरलैपिंग नहीं आई है उसमें वो हिस्सा गायब हो गए हैं। ओवरलैप तो है उसमें भी है। नहीं वो है ओवरलैपिंग लेकिन एक्चुअली जैसे उसका जो कॉर्नर आया तो उसमें से हटा दिया। पहले में एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल है पर पहले वाले रेक्टेंगल के पीछे का दिख रहा है हां लाइन वाले में दिख रहा है दूसरे वाले में कभी नहीं आ रहा है जो जो ओवरलैपिंग हुई है ना वो इसमें बीच में सारी लाइन मिटी हुई है। हां कैसे बनाएंगे इरेजर से? इरेजर से नहीं उसे बनाएंगे क्या रीजन हो सकता है कि इसके पीछे की लाइंस नहीं दिख रही है? इरेजर से मिटाया वो सारे सहमत हो गए। ये जो क्वेश्चन है ना हमने ऐसे ही पढ़ा रहे थे तो दिखाया हमने कि दोनों में डिफरेंस क्या है सेम आंसर जो मतलब बच्चे होते हैं जो भी हैं उनका भी यही आंसर सर अभी से बना लेंगे ठीक है बना के दिखाऊं उन्होंने बना लिया और पता क्या किया उन्होंने इरेजर टूल से मिटा दिया बीच बीच में पर इरेजर टूल से नहीं मिटा।